और आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां पर बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के मिलर स्कूल में पहुंचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन का एक घटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये रैली ये सबूत पेश कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो इंडिया गठबंधन को तैयार कर भाजपा भगाओ देश बचाओ नारा के साथ पूरे सूबे में और पूरे देश के अंदर संकल्पनामा पेश करने का काम किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस संकल्प को पूरा करने में अपनी पूरी तन्मयता के साथ तैयार है, ये सबूत आज की इस रैली से दिखाई पड़ रहा है। हम चाहेंगे इस रैली को सर्वप्रथम जो आज के संदर्भ में राजनीतिक प्रस्ताव है हमारे राष्ट्रीय सचिव मंडल के साथ ही हम सब के सम्मानित नेता कामेर जब्बार आलम आपके सामने प्रस्तुत करें, फिर अगली कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करें। सामने कुछ लोग हमारे खड़े हैं, आपसे विनती है कि आप बैठ जाइए ताकि पीछे के लोग और सड़कों पर जो लोग हैं उनको दिखाई पड़े, आपके साथ साथ सभी लोग देख सकें, इसलिए बीच के साथी हमें मदद करें, बीच के जितने भी खड़े साथी हैं बैठ जाएं। सामान्य तथा सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड धीर राजा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अमरजीत कौर जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के महासचिव भी हैं, कॉमरेड रामकृष्ण पंडा, कॉमरेड नागेंद्र नाथ ओझा, जदयू के अध्यक्ष और तमाम पार्टी और दूसरे पार्टी के नेतागण, और इस ऐतिहासिक विशाल राजनीतिक रैली में आप उपस्थित क्रांतिकारी साथियों, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद की ओर से एक प्रस्ताव पेश करूंगा। इस प्रस्ताव की जरूरत इसलिए पड़ गई कि आज देश में एक अभूतपूर्व राजनीतिक सामाजिक आर्थिक संकट पैदा हो गया है। यह संकट कोई बाहरी संकट नहीं है, कोई विदेशी संकट नहीं है, यह संकट अंदर से है भारत के, जिसको भारत की जनता ने 2014 और 2019 में अपना बहुमत मत दे करके सरकार बनाने के लिए चुना। आज वही सरकार देश में एक अजीबोगरीब अभूतपूर्व संकट पैदा कर रही है, सारे संवैधानिक व्यवस्था को उलट फेर किया जा रहा है, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, अकलियतों के साथ और दूसरे कमजोर तबकों के साथ छल किया जा रहा है। हम चाहेंगे आज पूरे बिहार के तमाम जिलों के क्रांतिकारी साथी इस विशाल रैली में भाजपा हटाओ देश बचाओ आए हैं, तमाम हमारे महागठबंधन के साथी हमारे नेता भी मौजूद हैं। हम इस रैली को बिहार की संपूर्ण बिहार की जनता के प्रतिनिधि के रूप में ले रहे हैं और इस प्रस्ताव को
बिहार का प्रस्ताव, बिहार की जनता का प्रस्ताव, बिहार के महागठबंधन का प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। केंद्र की भाजपा नेता नरेंद्र मोदी सरकार भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए नासूर बनती जा रही है। संक्षेप में कहें तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था मोदी सरकार की नीतियों, सिद्धांतों और कारनामों से आज खतरे में। महात्मा गांधी ने ये सीधी तस्वीरें आप पटना से देख रहे हैं जहां पर यह महसूस करें कि यह उनका देश और उसको